आप ऐसा नहीं कर सकती काकू, और फिर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मुझे पुलिस का क्या डर? काकू, आप पुलिस को कैसे बुला सकती हैं? सही इस घर की बहू है आप, प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। और आप बीच में मत आइए, जब मैंने तुम्हें नहीं अपनाया है तो फिर तुम्हारी सलाह को क्यों अपनाऊंगी, और वो भी जब तुम इस जंगली मुर्गी की तरफदारी कर रहे हो। तुमने तो हमेशा इसकी बदतमीजियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। उनके तुम सही की साइड क्यों ले रहे हो? देवी ताई, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? देवी को छोड़, तू बता, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ गलत कर रही है? मतलब हमारे घर में यूं जबरदस्ती घुसना गलती नहीं है? गलती है, और इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। वहिनी तुझे सजा, दंड, पनिशमेंट जरूर देंगी, हो ना वहिनी? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट उमी काका। क्यों? आगे ना लाइन पे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैं खुद करूंगी ना फोन। रुकिए रुकिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, मैं आईपीएस ऑफिसर विराट सवान के घर से बोल रही हूँ। जवाहर निवास में डिस्प्यूट हुआ है, आप प्लीज किसी को यहाँ भेज दीजिए। हो आ रहे। सही, ये क्या चल रहा है? घर के सामने तमाशा क्यों कर रही हो? अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे दादा, नौटंकी कर रही है ये, कोई पुलिस को फोन वो नहीं कर रही है। आपको याद है अपने कॉलेज का वो फंक्शन जिसमें कितना बड़ा ड्रामा किया था इसने? आप और बहनी कितना डर गए थे। मैं बोल रहा था रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। कब कहा था? अरे आपको याद? याद नहीं आपको? सब भूल गए? छोड़ दीजिए देवी जी, लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ सकती। लकड़ी हांडी चूल्हा, आपने नया बिजनेस खोला है, ढाबा खोला है, क्या बात है, यम्मी फूड। मेरे कहने का मतलब है एक ही चाल बार बार कामयाब नहीं हो सकती। इस बार मैं पुलिस को बुलाऊं, वो भी नकली नहीं असली। रुको, हमें एसीपी चौहान के घर से बोल रहा हूँ। अरे एक लड़की हमारे घर के बाहर नौटंकी कर रही है और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रही है, आप भेजिए जरा दो दिन लोगों को, भेजिए। हाँ। क्या बात है ओमकार जी, आपने तो इस लड़की की चाल ट्रिक पैंतरा यूं पहचान लिया। ए सही, अब आएगी पुलिस, वो भी असली वाली, और तुझे भी लेकर जाएगी, और तूने जो पैसे देकर जो पुलिस बुलवाई है ना, उन्हें भी लेकर जाएगी और जेल में बंद कर देगी। जब तक इस लड़की को कॉलोनी से बाहर नहीं फिंकवा दूंगी तब तक हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं इंस्पेक्टर कदम, विराट सर के यहाँ से कंप्लेंट आई थी, सब ठीक है ना? आप असली पुलिस है या नकली? मैडम आपको क्या लगता है, पुलिस के जीप में पुलिस की वर्दी पहन के किसी आईपीएस ऑफिसर के घर पे कोई नकली पुलिस पहुंच सकती है क्या? एक मिनट, ये चवान निवास है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई, ये करिश्मा कम थी जब आप भी उसकी तरह बन गए। मुझे कंट्रोल रूम से यहाँ की कंप्लेंट आई थी, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, पास में ही मैं पेट्रोलिंग कर रहा था इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया। बताइए कोई बात है क्या? हमें आपकी मदद चाहिए। विराट सर की फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और साई मैम आपको तो पर्सनली बोला था मैंने, आपको कोई भी जरूरत हो मुझे बताइएगा। वैसे साई मैम कैसी हैं आप, और सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और विराट सर भी ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, अंदर घर में आराम कर रहे हैं। सही, ये वही इंस्पेक्टर है जो डीआईजी सर के साथ हॉस्पिटल आए थे? जी बुआ जी, वही है। आप इस एरिया में कैसे? वो क्या है, फेस्टिवल का टाइम है तो पुलिस वालों की ड्यूटी कहीं भी लग जाती है। वैसे आप बताइए, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। फिर यहाँ से कंप्लेंट किसने की? उमी काका बताइए ना, क्यों कंप्लेन की थी, किसने कंप्लेन की थी, क्या हुआ? अरे मैं तो कह रहा था कि पुलिस कितना मेहनत का काम करती है, कितनी
चुस्ती और मुस्तैदी से लगी रहती है। बस वही चेक कर रहा था, और तो कुछ नहीं है सर। तो ओमिका का चेक कर लिया आपने? पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए हैं तो प्लीज एक हेल्प करिए ना, मेरे ससुराल वालों को जरा बताइए ना कि अगर किसी बहू को परेशान करे ससुराल वाले या फिर घर से बाहर निकाल दे तो उन्हें क्या सजा मिल सकती है। मैम वैसे आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? हर एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ हैं आप। आपको मैं कानून क्या बताऊंगा? वैसे विराट सर को आईपीसी की सारे सेक्शन याद है। हाँ, लेकिन वो अंदर आराम कर रहे हैं ना, इसलिए इन सबको बता दीजिए। वैसे तो बहू को घर से निकाला नहीं जा सकता, उसके पति घर में उसका कानून हक होता है, और अगर ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं या तंग करते हैं तो फिर 3 साल की कैद और कुछ जुर्माना हो सकता है। तीन साल की सजा और जुर्माना? I'm sorry to say, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी है। क्या आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं और विराट सर आपका साथ नहीं दे रहे हैं? मैम आपने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और आपके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। आई हाँ? मुझे जेल में नहीं जाना, वहां पर तो एक ही कपड़े होते हैं पहनने के लिए रोज रोज, और पता है वहां पे टीवी भी नहीं होती। ए कप्पा बस, हम लोग जेल क्यों जाएंगे? बेड़ी हम नहीं। हाँ? आप जेल जाएंगे, आपने ही तो सबसे ज्यादा परेशान किया है सही भाभी को। मैंने कब? आई अभी तो आपने बोला कि सही और उसके नकली पुलिस वालों को जेल में डलवाएंगे, ये तो असली पुलिस वाले हैं। सोनाली काकू। हाँ? अब उधर क्या खुसर खुसर कर रही हैं? जोर से बोलिए ना। मैम आप बताइए आपको कौन परेशान कर रहा है? मुझे कौन परेशान करेगा, मेरे ससुराल वाले। तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हो ना, और मैं तो सही से बहुत प्यार करती हूँ। अजी सही को इतनी अच्छी है पता है आपको? सच में? अरे नहीं, पिछले हफ्ते ने एक साड़ी ली है, नहीं अगर मैं जेल चली गई तो कौन पहनेगा? तू? हाँ। हाँ? देखा आपने कितना प्यार करते हैं सब मुझे, और अभी ये जबरदस्ती मेरा गृह प्रवेश करवा रहे थे अंदर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सबको ना पता होना चाहिए कि कानून बहू के हक कितने सीरियसली लेता है। आई होप सबको पता चल गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर बहू अपने ससुराल वाले को परेशान करे, हरास करे, तो उसकी भी तो कोई सजा होनी चाहिए। किस तरह के हरासमेंट की बात कर रहे हैं आप? घर के गहने चोरी होना, मारना पीटना या गाली गलौज? नहीं, इतनी छोटी मोटी हरासमेंट नहीं, बड़ी हैरेसमेंट इंस्पेक्टर सर। जैसे कि अपने ससुराल में इज्जत से रहने की मांग करना, वैसा कुछ। क्या मैम, वो हैरेसमेंट कैसे हो सकता है? बल्कि ये तो बहू का हक है, और मेरा मानना है कि हर बहू को उसका हक मिलना चाहिए। जी। और मेरा मानना है कि इज्जत मिलना सबका हक है। ओमी काका, आपको और कुछ पूछना है सर से तो पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे कोई सवाल नहीं करना है, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर सर, आप त्योहार के मौके पर यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मैम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विराट सर की फैमिली के लिए कुछ भी कभी भी। आप यहाँ पर आए हैं, प्लीज मुंह मीठा करके जरूर जाइए, एक मिनट रुकिए। सर हैप्पी होली का दहन। थैंक यू। दीवारे देवा, इस लड़की ने अकेले ही हम सब की बोलती बंद कर दी। अब तो हम इस जंगली मुर्गे को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये सही बहुत चालाक है, हमेशा कुछ न कुछ तिगड़म लड़ा के बची जाती है, हमेशा एक कदम आगे रहती है ये। अब किसी और के पास कोई और आइडिया मुझे घर में ना घुसने देने का, घर से निकालने का, आप में से किसी के भी दिमाग में है तो अभी मौका है, बोल सकता है, ट्राई करना है।
Anybody? अरे देख लीजिए, अगर किसी के पास कोई जबरदस्त आइडिया है तो हिचकिचाई मत, आगे बढ़िए। बस ये से तहिला, जबरदस्ती घर में घुसना आदत हो गई है इसकी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जबरदस्ती इस घर में घुस सकती है, लेकिन हमारे दिलों में और हमारे परिवार में जोर जबरदस्ती से कभी नहीं घुस सकती। वन स्टेप एट अ टाइम काकू, एक बार में एक ही कदम। और अभी घर में घुसी हूँ, दिल में भी घुस जाऊंगी, उसमें क्या बात हुई। अरे सही, तूने क्या किया? तूने तो गृह प्रवेश कर लिया हमारे घर में।